सपनों में नहीं हकीकत सुनते हैं, इसीलिए तो लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। कांग्रेस की सत्ता में हमारे हिंदुत्व के झंडा भगवा झंडा की अपमान करेगी, भारत में रहेगी अमर, भारत माता की जय नहीं बोला अंदेस। आज भिलाई में भिलाई ने पाकिस्तान बना के रखी। बिहार के लालू यादव गौ माता के चारा खा गए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार गौ माता के गोबर लखला खा गए। भगवान ने भी नहीं छोड़ी, भगवान महादेव के नाम से सट्टा चला के चालू कर दी। आप मन ऐसे परोसे और भरोसे की सरकार ला उखाड़ फेंके हो, नहीं तो अंदर खबरा छानी, यही हमारी इरादा है। हर गरीब के पक्का घर हो, ये भाजपा की वादा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी लैंड कर गए हैं। मैं अतिशीघ्र साजा के विधायक सम्माननीय ईश्वर साहू जी से निवेदन करता हूं कि आकर के वो मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार ताली बजा के सब ईश्वर साहू जी के स्वागत करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, विष्णुदेव जी जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज एक कबीरधाम के पावन वाटिला प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और मंच में जम्मू उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता मल्ला सभी समस्या सम्मान नेता मल्ल में हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करा था। और ये कबीरधाम क्षेत्र से आए हुए जम्मू मोर दाई दीदी मल्ला, युवा साथी ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, और ये छोटे छोटे जो बाल गोपाल जम्मू मल्ला, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी सांसद और सांसद प्रत्याशी भैया संतोष पांडे जी के चुनावी सभा में आए के मोला अवसर मिलिस। आप जैसे देवतुल्य जनता मन के मोला दर्शन पाओ, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, और हमारा प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहु जी, विजय शर्मा जी आज इस मंच में थोड़ी देर में पहुंच जाई, तो आप सब जाना तो मैं यही आप मन के क्षेत्र के दूर साझा विधानसभा के क्षेत्र से आए हो,
जेल कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की नीति के वजह से आज मोर बेटा खो चुके हो। तो आप सब तो जाना था कांग्रेस की सरकार में यही भूकेश, यही भूपेशा मंत्री रहिस, मुख्यमंत्री रहिस, जेल हा। इतने बड़े बीरनपुर के घटना में नहीं है, मोर घर में भी नहीं है, यहां तक के मोला ढाकस बांधे पर भी नहीं है। अपन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी नहीं भेजिस, और यही कांग्रेस की भूपेश सरकार है। यूपी में जाके 50 लाख के मुआवजा मांगत रिस, 50 लाख के मुआवजा मांगत रिस, जेन अपन क्षेत्र में अपन राज्य में आके वाला टाइम नहीं मिलिस, फुर्सत नहीं मिलिस। गरीबों के इतिहास की थे, बड़े बड़े पोस्टर में दिखत रिस, चम्मच में बासी खाद देखे वाला गेड़ी चढ़ा चढ़ाए पर सीखवातीस। हम छत्तीसगढ़ के का हम नहीं जान में कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति का है। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारा संस्कृति सिखातीस, लोग कहां से कहां आगे पहुंचे थे, लेकिन वहां हमला गिल्ली डंडा गेड़ी चखा सिखातीस। आप जनता मन बोला ऐसे सबक सिखाओ, अब ऐसे सबक सिखाओ, अब खेल बोला 5 साल की गिल्ली और डंडा चढ़ गेड़ी में। और तो और आप सब जाना तो, और यहां ये कबीरधाम में कांग्रेस की शासन में, कांग्रेस की सत्ता में हमारे हिंदुत्व के झंडा, भगवा झंडा के अपमान करेगी, भगवा झंडा के अपमान करीस। और तो और हमार भारत में रह के, भारत में रह के हमार भारत माता की जय नहीं बोला देश, आज भिलाई में भिलाई ने पाकिस्तान बना के रखीस। और सब जाना था काका घोटाला नहीं करे है, खनन में घोटाला, शराब में घोटाला, चावल में घोटाला। मैं तो सुने रहे हो, मैं सुने रहे हो बिहार में लल्लू यादव जेना गौ माता के चारा खा गए। बिहार के लालू यादव गौ माता के चारा खा गए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार गौ माता के गोबर लखला खा गए। और तो और उतनों में उखर पेट नहीं भरिस, दिल नहीं मानिस, तब भगवान घला नहीं छोड़िस, भगवान ने भी नहीं छोड़िस, भगवान महादेव के नाम से सट्टा चला के चालू कर दिस। और कोरोना काल में लोग राशन के लिए तड़पती से, राशन के लिए इंतजार करना पड़ाती से, दूर दूर तक जाना जाती से राशन नहीं मिलाती से, लेकिन ये भूपेश के सरकार ऑनलाइन शराब ला घर घर पहुंचाए काम करती, घर घर शराब पहुंचाए काम करती। तो आप मन ऐसे परोसे और भरोसे की सरकार ला उखाड़ फेंके हो, मोदी जी के गारंटी में विश्वास करे हो, मोदी जी के गारंटी में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाओ। इसी प्रकार हमार राजनांदगांव लोकसभा के सांसद प्रत्याशी सांसद भैया संतोष पांडे जी ला भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। यही संतोष पांडे जी महाराज है जो सबसे पहली घटना के दिन आधी रात कन मोर घर में पहुंचिस, मोर आगे मोर आंसू ला पहुंचिस,
ई पांडे जी महाराज है, ई संतोष पांडे महाराज है। कामत जो आप मन भारतीय जनता पार्टी पे मोदी जी के गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाओ, ओला हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी आ सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर पूरा अमर मोदी जी के गारंटी में जितना भी रिहिस जैसे किसान मन के भाई मन के 2 साल के धान के बोनस बकाया बोनस न देवो की के ओला भी दे के काम करिस। मातारी वंदन में माता दीदी मल्ला 1,000 प्रतिमाह देवो केन, साल में 12,000 रुपये देवो केन, ओला भी पूरा करिस। किसान भाई मल्ला प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपये एक बुस्त देवो के रहेन, ओला भी हमारे प्रदेश की मुखिया जी हाँ बिल्कुल साय साय पूरा करिस। और जितने भी मोदी के गारंटी है एला हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव जी काम करा थे। और हमार चुनावी यादा चुनावी में एक घोषणा रिस नई चुहंदन खबरा छानी, नई चुहंदन खबरा छानी यही हमारी इरादा है। हर गरीब के पक्का घर हो ये भाजपा की वादा है। जैसे ही हमार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया विष्णुदेव साव जिया जैसे शपथ लिस्ट होकर दूसरे ही दिन जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ला एक कांग्रेस के लबरा सरकार आ रोक के रखी रही से ओला लाए के काम करिस, ओला दूसरे दिन ही ओला लाए के काम करिस। ऐसी है हमार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हा जो जितना भी हमार मोदी जी के गारंटी है आप मन मोदी जी के गारंटी में विश्वास करे हो। ये भूपेश के ठगेश के सरकार ला उखाड़ फेंके हो और ये लबरा सरकार एक गुंडा राज चला दी से भ्रष्टाचार बना ले रही से पूरा छत्तीसगढ़ ला लुटे के काम करिस, छत्तीसगढ़ के गला लुटत लुटत और एमन प्लान बना दी से सबो ठगबंधन होके एकजुट हो गई से गठबंधन के नाम में ठगबंधन बना चालू कर दे रही। सब वो चोर चोर मुसेरे भाई की थे नहीं है, वैसे सब वो चोर चोर इकट्ठा होके ठगबंधन बनाए प्लान कर रही लेकिन कामयाब नहीं हो। तो आप मन ला अभी मौका है ये लबरा सरकार ला सबक सिखाए के आप मन ला मौका मिले है वो कर भूपेश बघेल के पूरा विकेट गिराए के काम करो और जमानत जब्त करा दो। और हमार सहज सरल स्वभाव के धनी भैया संतोष पांडे जिला भारी से भारी मतों से विजय बना के सांसद पहुंचा हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ला 3री बार प्रधानमंत्री बनाओ हैट्रिक से सम्मानित करना है, हैट्रिक से सम्मान देना है। तो आप सब से प्रार्थना कराता हूं, आप सब से विनती कराता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में हमार लोक दुर्गा लोक राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी संतोष पांडे जिला ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाना है। और हमार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जिला 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है, सम्मानित से हैट्रिक से सम्मानित देना है। इतना कह के मैं अपना वाणी विराम देता हूँ और आप सबला और एक शब्द बोलना चाहता हूँ, सपनों में नहीं हकीकत में सुनते हैं, सपनों में नहीं हकीकत सुनते हैं, इसीलिए तो लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं।
इतना कह के मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज़।